आप लोग स्क्रीन पर एक फोटो देख रहे होंगे और मेरा ऐसा मानना भी है कि अगर हम अपने देश की पत्रकारों के बारे में बात करें और उसमें रवीश कुमार के बारे में ना जाने तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता अधूरी अधूरी लगती है। और देखिए, आप में से अधिकतर लोग रवीश कुमार को जानते भी होंगे और आप में से कई लोग इन्हें पसंद भी करते होंगे, प्राइम टाइम इनका देखते होंगे, और कई लोग इन्हें नापसंद भी करते होंगे। तो आज आप लोग क्या करेंगे कि रवीश कुमार के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेंगे, इनका पत्रकारिता का जीवन किस तरह से रहा है उसे भी हम लोग बात करेंगे, कहां से शुरू होता है, इनसे जुड़ी हुई कई विवाद भी हैं, उन विवादों को भी देखेंगे हम लोग, क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर इनकी आलोचना ये कहकर की जाती है कि ये कांग्रेस का सपोर्ट करते हैं और मोदी सरकार के आलोचक हैं, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और आपको बता दूं कि इनके कामों के लिए इन्हें कई पुरस्कार भी दिए गए हैं, उस पर भी हम लोग देखेंगे। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात है इनकी लव स्टोरी, प्रेम कहानी, किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं है इनकी प्रेम कहानी, तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, एक सामान्य जानकारी आप लोगों को दे देंगे। इससे क्या होगा कि आपको अगर रवीश कुमार के में जानने के बाद के बारे में जानने की दिलचस्पी होती है तो आप लोग आराम से उनके बारे में जान सकेंगे। और आप लोगों को स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कि फोटो देखकर आप लोग एक तो अंदाजा लगा सकते हैं कि मस्त आदमी है रवीश कुमार। देखिए पोजीशन ही देख लीजिए उनकी। लेकिन मुझे मालूम है, इतना यकीन है कि आप लोग रवीश कुमार के नाम से भी तो इन्हें जानते होंगे, लेकिन वास्तविक नाम कम ही लोगों को मालूम होगा इनका। तो आपको बता दूं कि इनका वास्तविक नाम है रवीश कुमार पांडे, रवीश कुमार पांडे। और मेरा ऐसा मानना भी है, और इस बात को आप ही स्वीकारेंगे, कि देखिए भारत में किसी व्यक्ति के बारे में कभी भी बात होती है तो उसका धर्म जाति जरूर देखा जाता है कि किस धर्म से आता है, किस जाति से आता है। और इनके अगर हम लोग रवीश कुमार के जन्म की बात करें तो 5 दिसंबर 1974 को इनका जन्म होता है। कहां जन्म होता है? मोतिहारी बिहार में इनका जन्म होता है। आप लोग एक बार बिहार को भी देख लीजिए। देखिए यह है आपका बिहार और बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार से लगे हुए अगर राज्यों की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग रवीश कुमार के पिताजी की बात करें तो बलिराम इनके पिता का नाम है, और भाई की बात करें तो ब्रजेश कुमार पांडे इनके भाई हैं, और इन्हीं भाई की वजह से इनकी आलोचना की जाती है। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा ब्रजेश कुमार पांडे विवादों में भी घिरे थे और कांग्रेस के लीडर भी रहे। अगर हम लोग रवीश कुमार की पत्नी की बात करें तो नैना दास गुप्ता इनकी पत्नी का नाम है, और ये जो इतिहास की शिक्षिका है यानी कि टीचर है, पढ़ाती हैं। और एक बात आप लोगों को मालूम हो गई होगी कि जाति इनकी अलग है, इनकी पत्नी गुप्ता है और ये पांडे हैं। तो इनकी लव स्टोरी में एक तो आप देखिए अड़चन या मुसीबत जाति व्यवस्था ही थी। आपको इनकी लव स्टोरी के बारे में अगर बात करें तो आपको बता दूं कि जो नैना दास गुप्ता है एक कोलकाता की है, पश्चिम बंगाल की है। एक बार आप लोग पश्चिम बंगाल को भी देख लीजिए, देखिए आप लोगों को यह देखने को मिलेगा पश्चिम बंगाल। तो इनकी पत्नी पश्चिम बंगाल की है। और आपको बता दूं कि जब ये नैना दिल्ली के इंद्रप्रस्थ कॉलेज से बीए कर रही थी उस समय रवीश कुमार की इनसे मुलाकात होती है, और आप देखेंगे कि इन दोनों में काफी समय तक अच्छे दोस्त बने रहते हैं। और आपको बता दूं कि ऐसा भी कहा जाता है रवीश कुमार की इंग्लिश बहुत वीक थी, कमजोर थी इंग्लिश, तो इंग्लिश में सिखाने में नैना गुप्ता ने काफी मदद की रवीश कुमार की, समझ रहे आप लोग। और धीरे धीरे आप देखेंगे दोस्त बने रहते हैं, उसके बाद प्यार में बदल जाता है और दोनों लोग शादी का मन बना लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जाति व्यवस्था हमारे यहाँ सबसे बड़ी अड़चन रहती है, तो इनके बीच में भी आप देखेंगे जाति व्यवस्था एक अड़चन, एक मुसीबत आ गई थी, लेकिन आप जानते हैं कि प्यार था। तो 7 सालों के आसपास ये रिलेशनशिप में रहते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि एक तरह से विवाह इनका, किसी भी तरह से मुसीबत आती है, समझौता होकर शादी हो जाती है, और अब आप देखते हैं कि नैना दास गुप्ता इनकी बीवी हैं यानी कि पत्नी है।
और आपको बता दूं इन दोनों की दो बेटियां हैं, ठीक है। और नैना जो गुप्ता है ये श्रीराम कॉलेज में इतिहास पढ़ाती हैं, और रवीश कुमार को तो आप जानती ही हैं, एनडीटी में ये मैनेजिंग एडिटर भी है, एंकर भी है, ठीक है। तो ये इनकी लव स्टोरी है। अब आप देखिए, हिंदू के बारे में बता ही चुका हूँ कि रवीश कुमार हिंदू हैं और ब्राह्मण जाति से आते हैं। इनकी अगर हम लोग शुरुआती शिक्षा की बात करें तो लॉयला हाई स्कूल पटना से शुरुआती शिक्षा लेते हैं। उसके बाद ये अगली आगे की शिक्षा के लिए देशबंधु कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय जाते हैं, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन नई दिल्ली से ये अपनी शिक्षा पूरी करते हैं। और शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो पत्रकारिता में इन्होंने स्नातकोत्तर डिप्लोमा लिया हुआ है, और आप जानिए कि एक तरह से पत्रकारिता कर रहे हैं, पत्रकार हैं तो पत्रकारिता की इन्होंने पढ़ाई भी तो की होगी, ठीक। और व्यवसाय की बात करें तो आप सभी को मालूम है कि भारतीय टीवी एंकर हैं। और इनके शौक की बात करें, शौक कहने का मतलब है कि आप लोगों के भी तो शौक होते हैं, फेसबुक चलाना, व्हाट्सएप चलाना, तो इनके भी शौक हैं। यात्रा करना, पढ़ना, फिल्में देखना इनके शौक हैं। पसंदीदा अभिनेता की बात करें तो अमिताभ बच्चन इनके पसंदीदा एक्टर हैं। आप लोग बताइए आपके कौन से फेवरेट एक्टर हैं। और गायक की बात करें तो आप देखेंगे आप लोग कई लोगों के गाने भी सुनते रहते हैं, तो इन ये भी गाने सुनते हैं। तो किशोर कुमार, लता मंगेशकर और मुकेश और मोहम्मद अजीज इनके फेवरेट सिंगर हैं, गायक हैं। अब बात आती है पत्रकारिता की, क्योंकि आज हम लोग रवीश कुमार के बारे में बात अगर कर रहे हैं तो उनकी पत्रकार होने के कारण कर रहे हैं। तो आप देखिए कि रवीश कुमार ने करियर की शुरुआत साल 1996 में एनडीटीवी से शुरू की थी, और आज भी आप देखेंगे एनडीटीवी इंडिया से जुड़े हुए हैं। एक ही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि इतने लंबे समय तक आप किसी एक टीवी न्यूज चैनल से जुड़े रहे, क्योंकि आप देखते हैं कि या तो आप लोगों को निकाल दिया जाता है या आप खुद छोड़ के चले जाते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि एक लंबे समय से एनडीटीवी के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि रवीश कुमार ने एनडीटीवी इंडिया में एक रिपोर्टर से एक वरिष्ठ कार्यकारी संपादक तक का सफर तय किया हुआ है। आप लोगों ने इनके अगर इंटरव्यू पढ़े होंगे, सुने होंगे, तो आप लोगों को मालूम होगा कि ये एनडीटीवी में चिट्ठियां छांटने का काम करते थे रवीश कुमार, और इनसे आप लोग सीख भी ले सकते हैं। और रवीश कुमार की रिपोर्ट की अगर बात करें तो हम लोग प्राइम टाइम, आप सभी जानते हैं कि को पूरे देश में काफी पसंद भी किया जाता है और काफी अच्छी जानकारी भी आप लोगों को देते हैं। रवीश कुमार ने साल 2010 में देखते रहिए और 2015 में इश्क में सहर होना नाम से दो पुस्तकें भी लिखी हुई हैं, किताबें भी लिखी हुई हैं। तो आप कह सकते हैं कि पत्रकारिता के साथ साथ एक अच्छे लवर भी आप लोग कह सकते हैं, अच्छे एक तरह से लेखक भी आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। और उनके अधिकांश वो सामाजिक राजनीतिक मुद्दों से जुड़े विषयों को कवर करते हैं रवीश कुमार। और आप में से अगर स्टूडेंट हैं आप लोग तो आप लोगों को मालूम होगा वैकेंसी में जो आपकी जॉब यानी कि जो भी आपकी वैकेंसी में धांधली होती है, पेपर नहीं होते थे, रेलवे हो, SSC हो, हमेशा रवीश कुमार ने आप लोगों की काफी मदद की हुई है, आप लोगों का मुद्दा उठाया हुआ है। और आपको बता दूं कि जो आप लोग रवीश की रिपोर्ट देखते हैं ना, ये पहाड़गंज पर पहली थी, पहली ये पहाड़गंज पर थी, ठीक है। अगर हम लोग रवीश कुमार की कुछ किताबों की बात करें तो इश्क में सहर होना, देखते रहिए, रवीशपंती, द थ्री वाइज ऑन डेमोक्रेसी कल्चर एंड द नेशन, बोलना ही लोकतंत्र और संस्कृति और राष्ट्र के बारे में, ये इनकी कुछ पुस्तकें भी हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके पुरस्कारों की अगर हम लोग बात करें, अगर आप लोग कोई अच्छा काम करते हैं तो आप लोगों को पुरस्कार मिलना स्वाभाविक भी हो जाता है। तो रवीश कुमार को साल 2010 में गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और आप देखिए कि 2013 में रवीश कुमार को रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड से भी नवाजा गया था। और उसके बाद आप देखेंगे रवीश कुमार को साल 2014 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी समाचार एंकर चुना गया था। आप देखेंगे रवीश कुमार को साल 2016 में इंडियन एक्सप्रेस द्वारा 100 सबसे प्रभावशाली भारतीयों की सूची में भी शामिल किया गया था। रवीश कुमार को साल 2016 में मुंबई प्रेस क्लब द्वारा वर्ष का यानी कि साल का यानी कि ईयर का सर्वश्रेष्ठ पत्रकार भी चुना गया था।
और रवीश कुमार को आपको मालूम होगा कि साल 2019 में रेमर मैक्सेस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। और रेमर मैक्सेस अवार्ड को आप सभी जानते हैं कि एशिया का नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आप लोग किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग नीचे बताइएगा रेमर मैक्सेस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय कौन थे, ये आप लोगों को नीचे बताना है। अब आप देखिए, आप लोग कोई भी काम करते हैं तो विवादों में घिरना आप लाजमी हो जाता है। अगर आप लोग नेता हैं या इस तरह के किसी पद पर हैं तो आपसे विवाद जुड़ ही जाते हैं। तो साल 2017 की बात है कि रवीश कुमार के भाई ब्रजेश कुमार पांडे पर एक मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन रवीश कुमार ने उस घटना पर रिपोर्ट नहीं की थी और इसको लेकर आप देखेंगे काफी उनकी आलोचना भी की गई थी। और इनके भाई का कांग्रेस से जुड़ा होना इनका एक आलोचना का एक तरह से आप देखिए लोगों को रीजन मिल जाता है। लोग कहने लगते हैं कि आपके भाई कांग्रेस से जुड़े हुए हैं इसलिए आप कांग्रेस का पक्ष ज्यादा रखते हैं, कांग्रेस को आप ज्यादा सपोर्ट करते हैं और मोदी सरकार की आलोचना करते हैं। रवीश कुमार को अक्सर आप सभी जानते हैं कि मोदी सरकार की आलोचना करने के लिए ट्रोल भी किया जाता है। कई लोगों का आरोप है कि रवीश कुमार सिर्फ मोदी सरकार की आलोचना करते हैं लेकिन सरकार के अच्छे कामों की तारीफ नहीं करते हैं। एक बात और आप लोगों को बता दूं कि 2014 से पहले रवीश कुमार की जो भी रिपोर्टें डली हुई हैं उन्हें आप लोग सुनिए, और 2014 के बाद जो रिपोर्टें इन्होंने दी हुई हैं, जो भी इन्होंने वीडियो इस तरह के दिए हुए हैं उन्हें भी आप लोग देखिए। अब अगर आप लोगों को फर्क दिखता है तो आप लोग वहां से निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रवीश कुमार मोदी सरकार के विरोधी हैं या सरकारों के पक्षधर रहे हैं या कांग्रेस के पक्षधर रहे हैं। ठीक है, उनके निष्कर्ष आप लोग पहुंच जाएंगे आराम से। एक कारण और आप देखेंगे इनकी आलोचना की जाती है, रवीश कुमार पत्रकारिता जगत से जुड़े हुए लेकिन वह अक्सर भारतीय मीडिया की बुराई करते रहते हैं और इस कारण भी रवीश कुमार की आलोचना भी की जाती है। और कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा भी होगा रवीश कुमार ने कहा था कि आप लोगों को टीवी चैनल देखना बंद कर देना चाहिए, टीवी देखना बंद कर देना चाहिए, तो इसको लेकर भी आप देखेंगे काफी आलोचना की गई थी। सोशल मीडिया पर भी ये वार करते रहते हैं, तो ये कुछ इनके विवाद भी इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये कहानी है रवीश कुमार की। और हम लोग भारत के जो भी प्रमुख, जो भी जिस तरह से भी आप लोग पसंद करते हो ना पसंद करते हो, हमारे देश के जो भी पत्रकार हैं उन्हें एक एक करके हम लोग सबके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी बताते रहिए कौन किसके बारे में आपकी दिलचस्पी है जानने की, तो उसे भी हम लोग पहले कवर करते रहेंगे। लेकिन क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके सभी को कवर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग आगे।